भिलाई 3 की स्वास्थ्य विभाग द्वारा नगर निगम भिलाई चरोदा क्षेत्र में 30 स्कूली बच्चों को कोरोना का टीका लगाया गया। 15 से 18 वर्ष आयु के छात्र छात्राओं को 3 जनवरी से कोविड टीकाकरण अभियान शासन प्रशासन की ओर से प्रारंभ किया गया है। कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे व SDM विपुल गुप्ता व मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर गंभीर सिंह ठाकुर व टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर बंजारे BMO स्पार्टन डॉक्टर आशीष शर्मा के निर्देश में चरोदा में 2 स्कूलों में टीका लगाया जा रहा है। वहीं स्वास्थ्य सुपरवाइजर सैयद असलम ने बताया कि 2 स्थानों में कुल 35 छात्र छात्राओं का टीकाकरण किया गया। आज 36 छात्र छात्राओं को लगाया गया है, जबकि चरोदा उच्चतर माध्यमिक शाला में 2 दिन से कोई भी छात्र छात्रा टीका लगाने नहीं आए। छात्र छात्रा 15 से 18 वर्ष के उन बच्चों के लिए हमने 2 स्थायी दल बनाए हैं, एक कन्या उच्चतर माध्यमिक शाला भिलाई 3 और शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला चरोदा में। यहाँ प्रतिदिन पालक अपने छात्र लोगों को बच्चों को लेके आ रहे हैं, और चूँकि स्कूलें बंद हो गई है तो इन लोगों के 1-2 दल बनाने के निर्देश माननीय हमारी ADM मैडम ने दी थी। तो भिलाई 3 चरोदा के अंतर्गत 2 दल बनाए हैं, रोज़ 30-35 छात्र छात्रा आते हैं, उनके पालक लाते हैं और उनको लगा के लेके जा रहे हैं। उस भ्रांति को उन लोगों को भी दूर कर लेना चाहिए, चूँकि सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा अभी कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक ही स्कूलों को बंद किया गया है। भिलाई 3 चरोदा के जो छात्र छात्राएँ भिलाई 3 एरिया में रहते हैं या कहीं पर भी रहते हैं लेकिन किसी भी स्कूल में पढ़ते हैं, वो हमारे निकटतम स्वास्थ्य केंद्र में जा सकते हैं, अपनी ID ले जाकर दिखा सकते हैं और बतला सकते हैं कि मैं फलाना स्कूल का छात्र हूं और मेरा निवास इस क्षेत्र में और आपके क्षेत्र में के पास में 15 से 18 वर्ष का टीकाकरण साले बच्चे लोग का चल रहा है। तो उनको निश्चित रूप से सरकार के द्वारा निर्देश है, कलेक्टर सर के द्वारा निर्देश है कि इनको टीका बिल्कुल लगाया जाए और अपडेट करके उनको प्रमाण पत्र जारी किया जाए। बहरहाल जागरूकता पूर्वक टीकाकरण कराए जाने की आवश्यकता है, ऐसी स्थिति में कोरोना पर काबू पाया जा सकेगा। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए शैलेंद्र खरे की रिपोर्ट।